थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एमसीक्यूज में टैबलेट्स का फिर बात करेंगे, पार्ट टू। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और इस वीडियो लेक्चर्स में भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन से आई वो देखते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स फॉर्मूला इज। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जो च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्वीटनिंग एजेंट। तो यहां पे देखें, जो मैनिटॉल है, लैक्टोज है, साइक्रीन है, सुक्रोज है, ये सारे स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जिसमें मैनिटॉल, लैक्टोज एंड सुक्रोज, मैनिटॉल, लैक्टोज एंड सुक्रोज ये हमारे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स, इनको बोलते हैं। और जो साइक्रीन है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। हम लोग च्यूएबल टैबलेट्स में मैनिटॉल भी यूज कर सकते हैं, लैक्टोज भी यूज कर सकते हैं और सुक्रोज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पूछा गया कॉमनली, कॉमनली में जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं दैट इज अ मैनिटॉल। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मैनिटॉल, क्योंकि जो मैनिटॉल सबसे ज्यादा यूज करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये कूलिंग सेंसेशन देता है। ठीक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, कूलिंग सेंसेशन, और साथ में स्मूथी फील भी देता है माउथ में। इन सारी प्रॉपर्टी होने के नाते मैनिटॉल को प्रिफर किया जाता है। और मैनिटॉल का एक रोल और भी है, हम इसको एज अ फिलर भी यूज करते हैं, फिलर और डाइल्यूएंट। देखा जाए क्या होगा, तो आंसर इसका होगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स। आंसर बी, डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स जब हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं वहां पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे टेम्परेचर होता है 37 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद होना चाहिए। इसी तरह से टेम्परेचर पूछता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का, और डिसइंटीग्रेशन टेम्परेचर होता है 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर का जो सिस्टम दिया गया है, ये सिस्टम सिर्फ इसलिए है कि 37 ± 0.5% का मतलब है कि 37 में -0.5 कर देंगे और 37 में 0.5 ऐड कर देंगे, जो आएगा यानी 36.5 एंड 37.5, ये रेंज हो गई टेम्परेचर की। यानी टेम्परेचर 37 होना चाहिए डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए, लेकिन अगर 36.5 से लेके 37.5 के बीच में वैरी कर रहा है तो भी हम डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेट वेरिएशन फॉर टैबलेट वेट 82 to 250 mg के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे वेट वेरिएशन क्या होगा, तो वो वेट वेरिएशन देखें, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 10%, 7.5% एंड 5%। तो ये हमको याद होना चाहिए कि ये जो वेट वेरिएशन है वो आईपी के अकॉर्डिंग है। तो आईपी के अकॉर्डिंग देखें, जो 10% है कि अगर टैबलेट का वेट मोर देन 250 होता है तो वो 10% होता है, और जब लेस देन 80 mg होता है तो वो कितना होता है, 5%। यानी यहां पे पूछ रहा है 80 to 250 mg, यानी अगर 80 से 250 mg यानी 80 to 250 mg वेट है तो उसकी लिमिट होनी चाहिए 7.5%, यानी आंसर हमारा होगा 7.5%। तो ये लिमिट आपको याद होनी चाहिए आईपी के अकॉर्डिंग। इसी तरह से यूएसपी के अकॉर्डिंग भी पूरा से देखेंगे, तो यूएसपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहा गया 130 से अगर हम लेंगे तो 10%, 130 mg से 324 mg है तो कहा जाएगा 7.5% है, और मोर देन 324 है तो वो लिमिट होगी 5%। तो आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग दोनों लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज अ 7.5%। अब देखा जाए डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर इफरवेसेंट टैबलेट्स। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर इफरवेसेंट टैबलेट्स, ये प्रीवियस पार्ट में भी क्वेश्चन आया था और मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट के क्या क्या होंगे। तो यहां पे देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 मिनट्स। जो आपके कन्वेंशनल टैबलेट्स होते हैं उनके 15 मिनट होते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन रिपीट हो चुका है, लेकिन है जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 5 मिनट्स। इसका देखें आंसर क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज अ ए। नेक्स्ट देखें, एवी सेल इज।
एबीसीएल ट्रेड नेम है, और ये किसका ट्रेड नेम है? हर एक बहुत सारे एक्सिपिएंट ऐसे हैं जिनका ट्रेड नेम होता है, और कुछ के आपको ट्रेड नेम पता होने चाहिए। जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक ब्रांड नेम देखा था, यहाँ पे एवीसेल है, और इस एवीसेल को जो नाम है दैट इज अ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, इसको हम लोग एवीसेल बोलते हैं। तो एवीसेल इज अ एमसीसी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। ऑप्शन देखें इसका क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, छठवां, विच ऑफ द वन इज नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया में कौन से टेस्ट ऑफिशियल नहीं है ये पूछा जा रहा है, यानी इंडियन फार्माकोपिया में कौन कौन से टेस्ट मेंशन नहीं है। तो देखा जाए, जो टेस्ट की बात करें कौन कौन से टेस्ट नॉन ऑफिशियल हैं, तो हार्डनेस की बात की जाती है, फ्रायबिलिटी की बात की जाती है, एंड थिकनेस की बात की जाती है। ये तीनों को नॉन ऑफिशियल माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है इसमें 2001 यानी 2001 से पहले ये टेस्ट मेंशन नहीं किए गए थे। अब ये धीरे धीरे टेस्ट मेंशन किए जा रहे हैं, इसलिए इन तीनों को हम लोग नॉन ऑफिशियल या हम लोग मानते हैं। लेकिन इंडियन फार्माकोपिया के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो हार्डनेस इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है, तो आपका जो यहां पे ऑप्शन होगा दैट इज अ हार्डनेस। देखा जाए इसका ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ऑपरेटस यूज्ड फॉर फ्रायबिलिटी टेस्ट, और जो ऑपरेटस हम लोग फ्रायबिलिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं उसका आंसर है रोज फाइब्रिलेटर। तो यहां पे पहला ही दिया गया रोज फाइब्रिलेटर, तो ये हम लोग फ्रायबिलिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। मॉन्सेंटो किस लिए यूज किया जाता है, ये हार्डनेस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और फाइजर भी किसके लिए यूज किया जाता है, हार्डनेस के लिए। तो ये दोनों हार्डनेस के लिए हैं, तो पहला होगा रोज फाइब्रिलेटर फॉर द फ्रायबिलिटी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखा जाए, मैश साइज ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स से हम लोग डीटी चेक करते हैं, और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स यहां पे आपको दिख रहा है, ये हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स है, और ये भी आपको स्पेसिफिकेशन याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ट्यूब्स होती हैं, और इस ट्यूब का जो ओपन जो अपर सिस्टम होता है, अपर एंड जो होता है वो ओपन होता है, और जो लोअर एंड होता है उसमें मेस लगी होती है इस तरह से। और इसी का मेस का साइज पूछ रहा है कि मेस का साइज क्या होगा, इस मेस का साइज होता है 10। इसी तरह से जब डिसोल्यूशन में हम लोग चलते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स में जो बास्केट टाइप डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स होता है बास्केट, उस बास्केट का भी मेस पूछा जाता है कि उसका मेस साइज क्या होता है, तो इसका मेस साइज होता है 20। तो डिसोल्यूशन के बास्केट का 20 होता है, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो इसका जो मेश साइज होगा वो 10 होगा, और ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखा जाए क्या होगा, डी। कैम ट्रैक आर यूज्ड फॉर द, तो कैम ट्रैक हम लोग जनरली यूज करते हैं मूवमेंट ऑफ पंच, यानी जो पंच का मूवमेंट होता है, जो पंच के मूवमेंट को कंट्रोल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैम ट्रैक, यानी ये पंच को मूव कैसे करना है इसको गाइड करता है कैम ट्रैक। तो यहां पे ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या होगा, मिलार्ड रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन डाइल्यूएंट। किस डाइल्यूएंट में आपको मिलार्ड रिएक्शन मिलेगा, तो दैट इज ऑप्शन सी, लैक्टोज। लैक्टोज ठीक। तो यहां पे कहा जाता है कि अगर एमीन ग्रुप हो आपके पास, एमीन हो प्लस रिड्यूसिंग शुगर, ये दोनों अगर आप दोनों अगर मिल जाए, एमीन ग्रुप और रिड्यूसिंग शुगर, ये मिलार्ड रिएक्शन देते हैं, यानी कलर को चेंज कर देते हैं, कलर चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। यानी अगर हम कोई ड्रग यूज करते हैं और उस ड्रग में एमीन ग्रुप है ठीक, और साथ रिड्यूसिंग शुगर हो, तो इन सब में देखें तो रिड्यूसिंग शुगर हमारा लैक्टोज है, ये जो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है यही मिलार्ड रिएक्शन को देगा, यानी टेबलेट्स के कलर को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये था एमसीक्यूज जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू।